गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बीडीएन पब्लिक स्कूल। आज हम नौवीं कक्षा भूगोल का चैप्टर अफवाह पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी ये पांचवी वीडियो क्लास होगी। इससे पहले हम चार वीडियो क्लास कवर कर चुके हैं। तो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था जितने भी प्रायद्वीपीय भारत है उसकी नदियों के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत में बहने वाली नदियों का जो विवरण हमने पिछली दो वीडियो क्लासेस के अंदर किया है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व से। स्टार्ट करते हैं वीडियो हमारी। संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है, यानी कि अब तक का जो मानव इतिहास रहा है, ठीक है, जो हमें ज्ञात है, तो उसमें नदियों का बहुत अधिक महत्व रहा है, इम्पोर्टेंस नदियों की रही है। नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है तथा अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। कि जो नदियों का जल है वो क्या है कि जितने भी जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनमें मूल है, ठीक है, यानी कि प्राथमिकता इसी को दी जाती है। ये प्राथमिक चीज़ है जो हमें चाहिए होती है। जल इंसानों के लिए प्राथमिक चीज़ों में से आता है, ठीक है। एसेंशियल जो चीज़ें हैं उनमें जल भी सम्मिलित है। अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है, यानी कि मनुष्य के द्वारा की जाने वाली जो अलग अलग क्रियाकलाप हैं, एक्टिविटी हैं, उनमें किसका उपयोग किया जाता है, नदियों के जल का, या फिर जल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, यही कारण है कि नदियों के तट ने प्राचीन काल से ही आदिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया है, ठीक है। ये गाँव अब बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं। सबसे पहले यहाँ पर गांव बसे नदियों के किनारे, ठीक है, फिर उन गांव, वो जो गांव हैं बड़े होकर शहरों में परिवर्तित हुए। अपने राज्य के उन शहरों की एक सूची तैयार कीजिए जो नदी के किनारे स्थित हैं, ठीक है। किंतु भारत जैसे देश के लिए जहां की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, वहां सिंचाई, नौक संचालन, जल विद्युत निर्माण में नदियों का बहुत अधिक महत्व है, ठीक है। आगे रीड करते हैं, नदी प्रदूषण, ठीक है। ये आज के दिन सबसे जो बड़ी समस्याएं हैं हमारे देश की, उनमें से एक है नदियों के अंदर प्रदूषण, जो कि बढ़ता ही जा रहा है। नदी जल की घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि में बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है, ठीक है। जो नदियों में बहने वाला जल है उसकी क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता काफ़ी इफेक्ट हुई है, प्रभावित हुई है। इसके परिणामस्वरूप नदियों से अधिक जल की निकासी होती है तथा इनका आयतन घटता जाता है, ठीक है। यानी कि नदियों से जो जल है उसकी निकासी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि हम दिन पर दिन जो औद्योगिकरण बढ़ता जा रहा है, और औद्योगिकरण बढ़ता जा रहा है तो उतने ही जल की आवश्यकता बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो इससे जो नदियों के अंदर जो बहने वाला जल है उसका आयतन कम हो रहा है, ठीक है, पानी में कमी आ रही है। दूसरी ओर उद्योगों का प्रदूषण, अपरिष्कृत कचरे नदी में मिलते रहते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा कि बहुत सारे नाले इंडस्ट्री से, उद्योगों से निकलकर का नदियों में मिल जाते हैं, ठीक है। और ये ऐसा करने से क्या होता है कि उद्योगों को अपने कचरे से छुटकारा मिल जाता है, लेकिन छुटकारा कंपनियों को या फिर जो उद्योगों हैं उनको तो मिल जाता है, लेकिन उसकी सजा जलीय जीवों को भुगतनी पड़ती है, क्योंकि फिर वो कचरा जल में मिलकर उसको दूषित कर देता है, ठीक है। यह केवल जल की गुणवत्ता को ही नहीं बल्कि नदी में स्वतः स्वच्छीकरण की अक्षमता को भी प्रभावित करता है, ठीक है, क्योंकि नदी की एक खुद स्वच्छीकरण की अक्षमता होती है, खुद साफ करने की अक्षमता होती है, उसको भी प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए दिए गए समुचित जल प्रभाव में गंगा का जल लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले बड़े शहरों की गंदगी को तनु करके समाहित करता है, कर सकता है, ठीक है। लेकिन लगातार बढ़ते हुए औद्योगिकरण एवं शहरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता तथा अनेक नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण इनको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य योजनाएं लागू की गई हैं। क्या आपने कभी ऐसी कार्य योजना के बारे में सुना है? नदी के प्रदूषित जल से हमारा स्वास्थ्य किस प्रकार प्रभावित होता है, ये आपको स्वतः मालूम है कि हमारा जो जीवन है नदी के प्रदूषण स्तर पर अगर ज़्यादा हो रहा है प्रदूषण स्तर तो कैसे प्रभावित हो रहा है, ठीक है। बिना स्वच्छ जल का मानव जीवन, इस विषय पर विचार करें तथा अपनी कक्षा में एक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करें, ठीक है, कि जो बिना स्वच्छ जल जो इंसान का जो जीवन होगा उसकी कल्पना कैसी होगी, आप इसके बारे में सोचें।
आगे है यहाँ पर इसने बोला है कि कोई भी कार्य योजना जो आपको पता हो, जो किसी नदी से संबंधित हो, उसको स्वच्छ करने से संबंधित हो, तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने एक योजना शुरू कर रखी है गंगा को साफ करने को लेकर, क्लीन गंगा। ठीक है, तो और भी ऐसी योजनाएं चल जो हमारा भूतकाल है उसमें चल रही थी, चलती रही हैं। ठीक है, उनमें से एक यहाँ पर दिखा भी रखी है, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना। ठीक है, आगे इसमें पढ़ते हैं, गंगा कार्य योजना के क्रियाकलापों का पहला चरण 1985 में आरंभ किया गया एवं इसे 31 मार्च 2000 को बंद किया गया था। राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति ने गंगा कार्य योजना के प्रथम चरण की प्रगति की समीक्षा की तथा गंगा कार्य योजना के प्रथम चरण से प्राप्त अनुभवों के आधार पर आवश्यक सुझाव दिए। इस कार्य योजना को देश के प्रमुख प्रदूषित नदियों में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत लागू किया गया। ठीक है, गंगा कार्य योजना के दूसरे चरण को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। ठीक है, विस्तृत राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में अब 16 राज्यों की 27 नदियों के किनारे बसे 152 शहर शामिल हैं। ठीक है, इस कार्य योजना के तहत 57 जिलों में प्रदूषण को कम करने के लिए कार्य किया जा रहा है और प्रदूषण को कम करने वाली कुल 215 योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। ठीक है, अभी तक 69 योजना इस कार्य योजना के तहत पूरी हो चुकी हैं। इसके अंतर्गत लाखों लीटर प्रदूषित जल को रोककर उसकी दिशा में परिवर्तन करके परिष्करण करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो ये आपका लेसन है, ये आज कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं, प्रश्न उत्तर हैं, आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दिए जाएंगे। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।